Good morning, dear students. My name is Dr. Shafati Daya. I am working at GSSS Katarpuri, Gurgaon. Today we'll take class 12 chemistry topic coordinations compounds part 1. Our subject moderator is Dr. Jyoti Arora. She is working at SCRT Gurgaon. Coordination compounds part 1. We'll take introduction of the compounds, double salts, complex salts. Then we'll explain we'll do the Werner's theory, isomerisms of the coordination compounds. Now what are coordination compounds? Coordination compounds जो होते हैं वहां से एक central metal atom होता है जिससे कि कुछ ions और molecules coordinate bond के through linked, right? The simple thing is what? कि when the central metal ion, right, with the empty orbitals, empty orbital होगा तभी तो coordinate bond बनेगा ना. Coordinate bond कौन सा है? जब हमारे two pair of electrons किसी भी species से donate हो जाएं towards the empty orbital of the central metal atom, तो हमारा जो coordinate bond है वो coordinate compounds बनाएगा. Fine, okay. Now, here comes the Werner theory. Werner was a scientist who gave the theory to explain the structures, formation, and the nature of bonding in the coordination compounds. What he did a cobalt chloride compounds with ammonia. Fine. उसने कौन से compounds लिए? Cobalt chloride जो कंपाउंड्स थे, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लिए विद अमोनिया. तो उसने फाइंड किया कि जब वो प्रेसिपिटेट करता है, मतलब रिएक्ट कराता है क्लोराइड के जो आयंस हैं उनको, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है AgCl. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि क्लोराइड की प्रेजेंस जो होती है, हम क्या करते हैं, AgNO3 डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का हमारा PPT आ जाता है, दैट इज वाइट इन कलर, राइट. तो अब क्या है, जो हमारा प्रेसिपिटेट निकला जब हमने फर्स्ट कंपाउंड लिया, आई थिंक यू कैन सी, ऑल ऑफ यू कैन सी, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर, जो हमारा पीपीटी निकला, दैट इज AgCl PPT, वो कितना निकला? 3 moles. जब हमने सेम वही कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया का कंपाउंड लिया तो हमारा कितना मोल निकला? 2, राइट. जब हमने सेम वही कोबाल्ट, मतलब उसी सीरीज का कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया का लिया, दैट केम 1 मोल, राइट. सिमिलरली द फोर्थ वन, हमारा 1 मोल निकला. फाइन. तो ये हमारे प्रेसिपिटेट हुए क्लोराइड आयंस. तो क्लोराइड आयंस प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये है कि ओनली दीज नंबर ऑफ आयंस, दीज मोल ऑफ आयंस ऑफ क्लोराइड जो थे वो हमारे आयनिक फॉर्म में थे, प्राइमरी वैलेंसी उनकी जो प्राइमरी थे वो यही वाले आयंस थे. फाइन. तो ये सारे के सारे जो हमारे आयंस थे जो हम फॉर्मूले के अंदर डिपिक्ट कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखें यहाँ पर 3 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, 1 क्लोराइड एंड 1 क्लोराइड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स है, राइट. दीज आर द क्लोराइड्स आयन जो कि एक्चुअली प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है, ओके. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन ये करती है कि दो जो हमारा कोबाल्ट सेंटर मेटल है उसके साथ जो अमोनिया है, फर्स्ट वाले में देखें जो अमोनिया है वो 6 लिंक्ड है, मीन टू से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं कोबाल्ट के ऊपर. जो कोबाल्ट का डी ऑर्बिटल है उसके ऊपर हमारे पास 6 अमोनिया है जो कि अपने लोन पेयर को, नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. फाइन. इसका मतलब इसका कोई कोऑर्डिनेशन नंबर है जो कि 6 है. सिमिलरली आप सेकेंड के अंदर देखें, होपफुली आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 क्लोराइड है और 5 अमोनिया है, मीन टू से 6, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देन आल्सो 6 एंड नेक्स्ट में भी 6,
हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं आपको कि कुछ कंपाउंड्स जो हमारे हैं वो यहाँ शो कर रहे हैं कि भाई हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बट जो हमारी पीपीटी है मतलब हमारी जो क्लोराइड है वो दो तरीके से अटैच्ड हुई है, राइट। एक तो हमारी जो प्रेसिपिटेट आउट हो गई है दैट इज आर प्राइमरी वैलेंसी शो कर रही है, जो दूसरी वाली है जो हमारी अंदर है वो क्या है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन। तो क्लोराइड टू वेज में बॉन्डेड है इन द कॉम्प्लेक्स, तो फर्स्ट वाला है जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो हमने शो कर दी, वो हमारी पीपीटी बन गई, मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो गई सिल्वर से, राइट। जो दूसरा वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर है क्लोराइड और अमोनिया, जो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो हमारा डिपिक्ट कर रहा है कि वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, राइट। ओके, इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं। ये हमने कैसे फॉर्मुलेट किया है, हमने इसको बाय प्रैक्टिकली मीन से भी हमने इसको चेक किया और वी फाइंड आउट कि इनके अंदर कलर चेंज हुए हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के, जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का कलर येलो है, देन पर्पल, ग्रीन एंड वॉयलेट, फाइन। इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं डिस्पाइट ऑफ द आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूलाज, राइट। अब हमारे पास आ गया कि वर्नर के पोस्टुलेट्स क्या थे, ये तो उसने एक्सपेरिमेंट किया जो हमारे को उसने एक्सप्लेन किया, अब हम उससे डिराइव करते हैं कि क्या पॉइंट्स निकले। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसके पास दो वैलेंसीज हैं, वन इज द प्राइमरी द अदर इज द सेकेंडरी। द प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पीपीटी बन गया। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है, ये भी एक्सप्लेनेबल है कैसे, हमारे पास जो सेकेंड वाला कॉलम है आप उसको देखें, सेकेंड वाले कॉलम के अंदर 2 moles ऑफ क्लोराइड AgCl बनाता है, बाकी जो सिंगल Cl है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो नहीं आ रहा, वो नॉन आयनाइजेबल है, उसने कोई पीपीटी में कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, फाइन। द लास्ट इज द आयंस बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज जो है मेटल के साथ जो बाउंड करते हैं उनकी एक स्पेशियल अरेंजमेंट है इन द स्पेस के अंदर, एक स्पेशियल अरेंजमेंट है, मतलब वो अरेंज इस तरीके से हैं कि वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली उसको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री शेप देते हैं, फाइन। तो ये हमारी क्या थी, वर्नर्स थ्योरी एंड द वर्नर पोस्टुलेट्स, फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, फाइन। अब सॉल्ट क्या है, वी नो कि सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव कैटायन होता है और एक उसका एनायन होता है, फाइन। तो जो हमारा सॉल्ट है वो हमें पता है, हम करते हैं NaCl, कॉमन सॉल्ट है, उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ओके। ये सिंपल सॉल्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट के अंदर सिंपल सॉल्ट होते हैं जो कुछ इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में मिक्स्ड होते हैं एंड दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, डिसोशिएट करते हैं तो वो सिंपली अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं, कौन सा करते हैं, हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में यूज करते हैं मोर सॉल्ट्स, रिमेंबर मोर सॉल्ट, याद है, मोर सॉल्ट यूज करते हैं टाइट्रेशन के ड्यूरेशन पे, राइट। तो हमने क्या किया, मोर सॉल्ट लिया। मोर सॉल्ट क्या है, KCl MgCl2.6H2O, तो यहाँ पर K आयन है, Cl आयन है, Mg आयन है, Cl आयन है, राइट, एंड दिस इज द वॉटर, दिस इज द सिंपल सॉल्ट। अब क्या है बेटा जी, यहाँ पर जो हमारा ये वाला सॉल्ट है, जब हम इसको कभी भी मतलब डिसोशिएट देखेंगे, डिसोशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वील गेट पोटेशियम, राइट, वील गेट क्लोरीन, वील गेट मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, राइट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे डबल सॉल्ट हैं वो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, बट वो मिक्स्ड टाइप सॉल्ट्स होते हैं, मतलब उनके मोर देन सिंपल सब्सटेंसेस से ज्यादा
उसके कंपाउंड होते हैं, फाइन। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स जो हमारे आयनाइजेबल होते हैं ये, और ये अपनी डबल सॉल्ट जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एंड दे सिंपली डिसोसिएट इनटू देयर नॉर्मल वेलेंट आयंस, कैटायंस एज वेल एज एनायंस, फाइन। अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के ऊपर, राइट। तो ये क्वेश्चन जो होता है हमारा मोस्टली पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हमारे को पता है कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उसके सेंटर में इन बिटवीन एक मेटल होता है, और कुछ चीजें हैं, कुछ हमारे आयंस हैं, स्पीशीज हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं वाया द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और वो बनते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, फाइन। तो दीज आर द सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्मड, they can be equimolar or not, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि equimolar हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक important बात ये है कि they may or may not be ionizable। अभी मैंने Werner theory की थी, आपको बताई थी, जो हमारा square bracket के अंदर complex identity, जो complex बनता है square bracket के अंदर, वो तो ionizable नहीं होगा, लेकिन जो उसके बाहर जो primary valency होगी वो हमारी आयनाइजेबल होगी, फाइन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल है वो अपनी टू टाइप्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या नॉर्मल वैलेंसी जो है उससे हटके हमने वैलेंसी को दो में डिवाइड कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बने रहते हैं, फाइन। हम उसको ब्रेक नहीं करते, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है एक बार वो बन गया हम उसको आयनाइज नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसका जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, व्हाइल डबल सॉल्ट्स के अंदर तो सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स है, फाइन, जो कि आयनाइजेबल हो गए हैं, ओके ओके। अब आपको मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमने देखा तो है नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको नोट करें बेटा, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज नोट इट डाउन। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये हमने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन जो हम कॉम्प्लेक्स कह रही हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो मैं अभी बता रही हूँ क्या होता है, क्या है वो, एक एंटिटी है जो किससे बनी है, सेंट्रल मेटल एटम से या फिर आयन से, जो कि फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से बाउंडेड है वाया द कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ओके। चलो अब हम इसके आगे मूव करते हैं, तो ये क्या कहता है हमारे को यहाँ आगे, अब हम एक बार एक डायग्राम देखते हैं, फाइन, अब हम इसके साथ साथ चलें, ओके okay? तो सबसे पहले हमारे पास है सेंटर मेटल एटम। सेंटर क्या होता है, इन बिटवीन, जो सेंटर के अंदर डॉट है, मेटल, मेटल कौन सा, जो मैंने बोला था आपको कि डी ऑर्बिटल जिसका एम्प्टी होगा, जिसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तभी तो हम इलेक्ट्रॉन उसमें डाल सकते हैं। तो हमारा जो सेंटर मेटल एटम है या फिर कोई आयन है वो कौन सा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे को, कोबाल्ट दिखाई दे रहा है सबको, राइट हैंड साइड देखो, दिस इज द सेंटर मेटल एटम जिसके पास एक अरेंजमेंट है, और जो हमारे साइड में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अमोनिया है सारे के सारे, ये अमोनिया क्या कर रहे हैं, इससे बाउंडेड है, फाइन, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। अब आ गया लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स हैं हमारे यहाँ पर अमोनिया, कितने हैं यहाँ पे अमोनिया, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 अमोनिया है। तो अमोनिया इज अ लीगेंड, राइट, जो क्या कर रहा है, जो बाउंड है किससे, सेंटर मेटल एटम्स, फाइन, दिख गया। ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, CO कोबाल्ट, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज रेडिली वॉन्ट टू हैव इलेक्ट्रॉन्स, और अमोनिया क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फाइन। तो मतलब ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस से भी आप कोरिलेट कर सकते हो, बेसिक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं,
राइट। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको सिंपल एक बात और बताती हूँ। आपने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर फिगर में ही दिख रहा है ये वाला, राइट। जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज, ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा है, ये क्या है हमारा पूरा कोऑर्डिनेट जो हमारा एंड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। अब हमारे पास है एक नई टर्म जिसको हम कहते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब डेंटिस्ट सुना है, यस, मतलब कुछ ना कुछ टीथ से रिलेटेड है। ठीक, टीथ से कैसे रिलेटेड है? टीथ से ऐसे रिलेटेड है कि जो हमारा लीगेंड है, राइट, कितने नंबर ऑफ लीगेटिंग ग्रुप्स अटैच हो पा रहे हैं, मतलब हमारा एक लीगेंड एक एक साइड से कंपाउंड को एक सेंटर मेटल को पकड़ रहा है या दो से पकड़ रहा है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है लीगेंड के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, या फिर दो साइड से डोनेट करने के लिए। तो क्या करेगा, हमारा जो लीगेंड है इधर से भी बाउंड कर देगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी बाउंड कर देगा। तो कितने तरीके से बाउंड कर सकता है? टू से। तो इसकी डेंटिसिटी क्या हुई? टू। यहाँ पर हमने दे रखा है अमोनिया, अमोनिया की डेंटिसिटी कितनी है? वन। कुछ हमारे ऐसे लीगेंड्स हैं जिनकी डेंटिसिटी टू भी होती है, थ्री भी होती है, सिक्स भी होती है, फाइन। इसको हम डिटेल में कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर के अंदर इसको मैंने आपको डिटेल में दिया है, फाइन, ओके। नाउ कम्स द चीलेशन, चीलेट लीगेंड्स, फाइन। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारे पास डेंटिसिटी मल्टी डेंटिसिटी भी होती है, किसकी? लीगेंड्स की, फाइन। तो जो लीगेंड्स हैं, एक लीगेंड है जब उसकी एक से ज्यादा डेंटिसिटी है तो क्या करेगा? दो साइड से लिंक कर लेगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैं अभी आपको शो करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ अमोनिया नहीं है, कुछ और है, ये एक चेन है, ये मेरा एक लीगेंड है, ये वाला जो क्या कर रहा है, जो दो साइड से बाउंड कर रहा है, किसको? कोबाल्ट को, राइट। जब वो दो साइड से कर रहा है, बड़ा होगा तो और बढ़ाएगा, तो एक रिंग टाइप बन जाएगा। जो ये रिंग टाइप बन जाएगा इसको कहेंगे चीलेशन, फाइन। और इस लीगेंड को क्या कहेंगे? चीलेट लीगेंड, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है एम्बीडेंटेट लीगेंड, एम्बीडेंटेट। हमने 11th में ना एक चीज और पढ़ी थी, एम्बीडेंट स्पीशीज कॉर्ड, किसमें? ऑर्गेनिक में पढ़ी थी ना, बिल्कुल सेम वही मीनिंग है। एम्बिडेंट लीगेंड वो लीगेंड है जिसके पास दो एंड्स हैं डोनेट करने के लिए, उसकी मर्जी आ गई है, तो या तो इधर से डोनेट करेगा या इधर से डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास NO2 है, राइट। अब NO2 है तो क्या करेगा? या तो वो नाइट्रोजन N से डोनेट करेगा, या ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन से डोनेट, फ्रॉम ईदर साइड। तो दो हमारे पास अटैकिंग साइड हैं, डोनेटिंग साइड्स हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसको? एम्बिडेंट लीगेंड, वेरी नाइस। इसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स अटैच है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ कितने हैं? सिक्स, सिक्स दिख रहे हैं ना इस वाले में, वन ना मैंने अभी काउंट करे थे, सिक्स, फाइन। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ओके। नाउ व्हाट इज पॉलीहेड्रन? जो हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप की ज्योमेट्री शो कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखाई, हमारे सिक्स हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल टाइप ज्योमेट्री शो कर रहा है, फाइन। हमारा स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है, एंड वी ऑल्सो कैन हैव अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, फाइन। तो दिस इज वॉट, दिस इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। Then comes the oxidation number. Oxidation number किसका? Center metal का, कि उसके पास कितना charge है, उसी से तुम total primary valency निकालेंगे, fine। इसको हमने अच्छे से explain किया है हमारे nomenclature वाले part में, you can go there and read it। Then comes the charge over the complex। अब charge कितना दिख रहा है यहाँ पे complex के ऊपर? सबको दिख रहा है यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, this is the charge of the complex, okay। इसी की वजह से हमारे पास 3 क्लोराइड आयंस अटैच्ड हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारे को दे रखा है क्या, यही वाला, एक टाइप के हैं सारे के सारे, सो दिस इज होमोलेप्टिक। जहां मल्टीपल हो, फॉर एग्जांपल अमोनिया हटा के हमें क्लोरीन लगा दूं तो टू टाइप्स के हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स,
देन कम्स होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर. होमोन्यूक्लियर मतलब वन न्यूक्लियस, मीन टू से जहां वन मेटल हो. कौन सा? सेंटर मेटल. कई बार ऐसा भी होता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, जो हम अभी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, टू भी होते हैं. फाइन, तो वहां पर हमारा क्या होगा? पॉली न्यूक्लियर. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपकी ए बी सी है कॉम्प्लेक्सेस की, तो काइंडली नोट इट डाउन एंड मेक गुड नोट्स ऑफ इट. ओके ओके, नाउ कम्स द आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म के अंदर हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मीन टू से जब इनका फॉर्मूला सेम हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट द स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट. राइट, इनकी अरेंजमेंट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट होती है. ओके, सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर नथिंग बट सिंपल ये है कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. कैसे होगा? जब उनके बॉन्ड डिफरेंट हो जाएंगे. कैसे बॉन्ड डिफरेंट होंगे? लेट्स सी. सबसे पहले है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर बेटे जी क्या होता है कि जो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है उसमें आयंस डिफरेंट बनते हैं. आयंस कैसे डिफरेंट बनते हैं? अब एक बार हम वो देखें. क्या है हमारे पास? जब हम एग्जांपल देख रहे हैं तो हमारे पास दो एग्जांपल मैंने दे रखे हैं आपको, ये दिस वन एंड दिस वन. जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें सल्फेट हमारे सेकेंडरी वैलेंसी है एंड द ब्रोमाइड इज शोइंग द प्राइमरी वैलेंसी. जबकि जो इसका बिल्कुल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है सेकेंड कंपाउंड में, ब्रोमीन हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी एंड सल्फेट हो गया हमारी प्राइमरी वैलेंसी. मीन टू से जो काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर है वो क्या कर रहा है? इट कैन बी रिप्लेस बाय अनदर वन. ठीक है, इसको हम दूसरी इस टाइप से भी कह सकते हैं. कैसे? जो हमारा फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जब हम हेलोजन का टेस्ट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो वो ब्रोमीन का टेस्ट देगा, AgBr, येलो पीपीटी बनेगा. वेयर एज इन द केस ऑफ सेकेंड वन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हमारा हेलोजन का प्रेजेंस का टेस्ट नहीं देगा, इनफेक्ट इट विल गिव बेरियम क्लोराइड टेस्ट, जो व्हाइट पीपीटी बनेगा बेरियम सल्फेट का. Fine, so this is the ionization isomerism. In the case of coordination isomerism, which is the second isomerism we are going to study, जो coordination है वहाँ पर हमारे जो complex हैं, मतलब हमारे जो anions और cationic entities हैं, उनका जो complex बन रहा है, उनके जो ligands हैं आपस में वही change हो गए. ठीक है, formula तो same है. कैसे? पहले cobalt के साथ ammonia का ligand है. Fine. सेकेंड के अंदर क्रोमियम और साइनाइड का उसके अंदर लिगेंड है क्रोमियम मेटल के साथ. वेयर एज जब हम उसका आइसोमर देखेंगे तो जो क्रोमियम मेटल है उसको अमोनियम लिगेंड बना रहा है, अमोनियम लिगेंड के साथ वो बन रहा है कैटायनिक स्पीशीज, और हमारे एनायन के अंदर कोबाल्ट साइनाइड के साथ बन रहा है. Fine, this is coordination isomerism. Here what happens? The interchange of the ligands. Ligands आपस में बदल गए. Then comes the linkage isomerism. Linkage isomerism किसके through होगा? Embedded ligand के through. What अभी हमने last slide में पढ़ा? Embedded mean to say nitrogen NO2 ही example लिया था अभी मैंने, वही same इसमें मैं बेटा जी. जब हमारे पास NO2 है तो इधर नाइट्रोजन से जब लिंक करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो शो कर रहे हैं हम, राइट, इसके अंदर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के थ्रू है तो दिस विल बी इन येलो कलर, और जब हम ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज करते हैं, मतलब हमारा लिगेंड ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करता है, बॉन्ड बनाता है, देन इट विल बी रेड इन. Then comes the hydrate. Hydrate मतलब water. Something related to water होगा जब hydrate isomerism होगा. Fine. तो hydrate isomerism कहें या फिर हम उसको solvate कहें. It is the one and the same thing. दोनों के same names हैं. Right. तो यहाँ पर क्या है? Come to the example. तो उससे ज़्यादा अच्छे से explain होता है. Right. Chromium के साथ water है. कितने? 6. देख रहे हैं सबको. Coordination number of chromium is 6 here. तो जो वाटर है दैट इज एक्वा वो कितने हैं? 6. इसको हम वायलेट कलर का मिलता है ये वाला हमारे को कॉम्प्लेक्स, व्हाइट.
जो हमारा सेकंड वाला है कॉम्प्लेक्स, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, बट क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर है उसको क्या हुआ, एक वाटर बाहर चला गया, जो हमारा लीगेंड है वाटर का वो रिप्लेस हो गया, क्लोराइड अंदर आ गया। फाइन, तो हमारा जो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है कौन सा, ये वाला, दिस विल बी ग्रे ग्रीन इन कलर एंड दिस आइसोमेरिज्म इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पर वाटर कॉम्प्लेक्स से निकल के बाहर चला गया या फिर बाहर वाला वाटर अंदर आ गया। कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, 6 ही होंगे, 6 ही अटैच कर सकते हैं, 6 ही अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी ऑर्बिटल को। फाइन, तो दिस इज व्हाट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाउ कम्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सेम फॉर्मूला होता है, केमिकल बॉन्ड होते हैं, बट उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो अब हम देखते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात जो हम देख रहे हैं वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री चेंज होगी, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर कैसे कैसे शो करेंगे इसको, जब हमारे पास होमोलेप्टिक है, मतलब सारे के सारे सेम लिगेंड है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहाँ लगा हुआ है, सारे सेम सेम नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने अमोनिया का किया था, राइट, 6 अमोनिया थे, 6 सेम थे। अगर मैं वहां पर कोई और लगाऊ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरीन लगा दू या फिर मैं ब्रोमीन लगा दू, नाइट्रोजन कुछ जोड़ दूं, तो क्या है वो अमोनिया से डिफरेंट है, दैट विल बी अ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो कोई भी हो सकती है। अब इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, हमने तीन एग्जांपल पढ़ते हैं मेनली मेनली, एक तो हम पढ़ते हैं स्क्वायर प्लानर, एक टेट्राहेड्रल शेप देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल देखते हैं। फाइन, वी डू थ्री। टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है ये, नहीं, क्यों, क्योंकि हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो वहां पर नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं स्क्वायर प्लानर में। स्क्वायर प्लानर का मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या है, एक सेंटर मेटल है, दिख रहा है सबको सेंटर मेटल, वेरी नाइस, इन बिटवीन ही रहा, दोनों साइड है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए सेम जो हमारा लिगेंड है वो एक साइड है, और यहाँ पर जो हमारा सेम लिगेंड है वो ऑपोजिट साइड है। जब सेम साइड होता है उसको कहते हैं सिस, और जब डिफरेंट साइड होता है उसको कहते हैं ट्रांस। तो स्क्वायर प्लानर के अंदर जो सिस एंड ट्रांस है वो कैसे होते हैं, सेम एंड ऑपोजिट साइड। सिमिलरली हमारे पास जब ऑक्टाहेड्रल होता है सिस और ट्रांस, तो वहां भी हो सकता है, नहीं तो लड़ाई करेगा, है ना। तो क्या है, आप देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ए और बी है, दिख रहे हैं ना कितने ए हैं और कितने बी हैं, 4 ए हैं और 2 बी हैं, हमने दिया है फॉर्मूला यहाँ पे, देखो। तो क्या है, बी हमारे पास पास है, बीइंग इक्वेटोरियल पे हो चाहे एक्सियल साइड पे हो, एक्सियल मतलब बी एक्सियल पे है ना, सीधा एक्सिस पे, और यहाँ पर ये वाला जो बी है, ये वाला जो बी है, ये किधर है, इक्वेटोरियल पे। तो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो पास पास वन साइड है सेम सेम लिगेंड, तो इट विल बी सिस, और जब अपोजिट है तो इट विल बी ट्रांस। सिर्फ ये बात याद करनी है, कहीं भी आपको दिखता है इसोमर सेम साइड लिखा है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। देन कम्स द ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल क्या मतलब, लेंस, मिरर, एनीथिंग लाइक दैट, लाइट से जो रिलेटेड है। फाइन, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मिरर इमेजेस की बात हो रही है। यू नो कि जो हमारी मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगी, मतलब कि वो काइरल होती हैं। काइरल मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, जैसे एक हैंड दूसरे हैंड के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। फाइन, तो हम एक साइड इधर चला जाता है, एक बार लेफ्ट में जा रहा है, दूसरे हैंड का राइट में जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हमारे दो टाइप्स के हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो होता है राइट हैंड साइड। अब हमारे एग्जाम्पल में देखो, जो हमारे ए फर्स्ट वाला है ये हमारा डेक्स्ट्रो है, और जो हमारा सेकंड वाला है ये हमारा लीवो है।
अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है? बेटा ये हमारे को पोलैरोमीटर से पता चलता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में टर्न कर देता है तो वो वाला डेक्स्ट्रो रोटेटर ही हो जाता है, और जो प्लेन पोलराइज राइट से लेफ्ट में टर्न हो जाता है वो हमारा लीवो रोटेटर ही हो जाता है। फाइन, बीच में जो हमने डॉटेड लाइंस दिखाई हैं यहाँ पर कौन सी वाली बेटा जी? ये वाली, दिस इज अ मिरर, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है दिस इज डेक्स्ट्रो एंड द राइट वन इज लीवो, सिंपली। फाइन, अच्छा इसके बाद हमारे पास दूसरा जो आ रहा है वो हम कह रहे हैं फैशियल एंड मेरिडोनियल। फैशियल मतलब फेस, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए ना। ओके, तो हमारे पास कई कभी ऐसा हो कि हमारे पास 3-3 इक्वल लिगेंड्स हैं तो क्या है, देखो जो फेशियल वाला है उसके अंदर आप ये वाली साइट देखो बेटा जी क्लोरीन की, एक तो हमारा एक्सियल है और हमारे दो क्या है, हमारे इक्वेटोरियल, तो एक फेस बन गया ये वाला जो मैंने ट्रायंगल बनाया है। फाइन, दिख रहा है? ओके, इसको कहेंगे फेस जो एडजेसेंट कॉर्नर्स में। जो मेरिडोनियल होगा वो कैसे होगा, जो पोजीशन ऑल अराउंड होगी, एक तो हमारे दो तो हो गए कौन से बेटा जी, एक्सियल वाले, और एक हमारा कौन सा है, इक्वेटोरियल। तो जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है ये ऐसे बना है। फाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज मेरिडोनियल टाइप। ओके, नाउ मूविंग टू द असाइनमेंट, note it down, hopefully all of you can do all these 5 questions, and the very interesting is more to come in the next videos. Okay, maintain your practice, bahut easy lesson hai, all of you can do this assignment, please take the screenshot of the slide. Thank you, beta.